Hi everyone, welcome to my channel and welcome to another video. So I hope you all are safe, I hope you all are doing well and aap sirf necessary cheezon ke liye hi bahar step out kar rahe hain kyunki bahar ka jo situation hai ye bilkul bhi kharab nahi hai. I would urge you all to be responsible citizens. Agar kuch necessary cheez lani ho to hi bahar step karna chahiye and jo bhi precautions hai wo hum sab ko lena chahiye. So agar aap bahar step nahi kar rahe hain ghar pe hi, you know, you can do so many things to, you know, like kind of lighten up your mood. You can focus on hobbies, you could, you know, like do things for yourself, like self grooming. You could do something for your family, something good for your family jo ki ghar pe baith ke hi ho. So I really wanted to change something in myself. Bahar to main bilkul bhi nahi ja sakta. I really don't remember the last time I went out. चाहे फेशियल हो, क्लीन अप हो, चाहे यू नो, इवन मैंने एक्सटेंशंस भी निकाल दिए. आई एम डूइंग माय नेल्स आल्सो एट होम, बट आई रियली वांटेड टू चेंज समथिंग एल्स. लाइक आई वांटेड टू ग्रूम माय सेल्फ अ लिटिल एंड मैं कुछ थोड़ा सा चेंज करना चाहती थी. तो आई थॉट लेट्स जस्ट चेंज माई हेयर कलर, बिकॉज लास्ट टाइम आई कलर्ड माई हेयर, वो जो कलर है वो ऑलरेडी निकल चुका है एंड आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा काइंड ऑफ ब्रासी लग रहा है. सो आई रियली वॉन्टेड टू चेंज माई हेयर कलर. एंड बाहर तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप टहलने के लिए या फिर इवन इफ सैलॉन्स आर ओपन, पार्लर्स आर ओपन, आप घर पे बैठिए. घर पे बैठ के जो भी काम हो सकता है, लाइक फेशियल, ग्रूमिंग, यू नो, नेल्स, आप सब कुछ घर पे कर सकते हैं. सो मैंने सोचा कि मैं घर पे हेयर कलर करती हूँ. सो दिस टाइम आई गॉट दिस हेयर कलर. दिस इज द गार्नियर कलर नेचुरल्स क्रेम रिच हेयर कलर. सो मोस्टली जब भी मैं हेयर कलर करती हूँ, मैं घर पे ही एक्चुअली करती हूँ हेयर कलर. एंड जब भी मैं हेयर कलर करती हूँ, मैं ब्राउन शेड्स में से ही चूज करती हूँ. एंड अभी समर का टाइम चल रहा है तो ब्राउन शेड्स जो है इंडियन स्किन टोन पे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं. सो आई वॉज रियली कन्फ्यूज कि मैं कौन सा ब्राउन शेड लू. सो ये जो गार्नियर कलर नेचुरल्स है, इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे. यू हैव ब्लैक्स, बर्गंडीज एंड देयर आर अ लॉट ऑफ ब्राउन्स टू चूज फ्रॉम. सो उन ब्राउन शेड्स में से मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज थी. सो आई वेंट टू देयर वेबसाइट एंड वहां पे एक टूल था जहां पे आप आपका जो फोटो है वो अपलोड करके आप अगर यू नो कलर पे चूज करते तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा कलर आप पे किस तरीके का लग सकता है. सो मैंने मेरा फोटो अपलोड किया एंड आई चोज दिस शेड. सो दिस इज द शेड कैरमल ब्राउन. इससे पहले भी मैंने घर पे हेयर कलर किया है एंड बहुत ज्यादा सिंपल होता है. आप खुद का हेयर कलर कर सकते हैं, आप किसी पे भी हेयर कलर कर सकते हैं. काफी ज्यादा सिंपल है, इसे बस लगा के रखना है 30 मिनट्स तक एंड देन वॉश ऑफ करना है. तो आप देख सकते हैं कि मेरे बाल जो है ये काफी ज्यादा लंबे हैं. सो मैंने यहाँ पे दो कलर मंगवाए हैं, मतलब सेम ही कलर मंगवाया है, बट आई गॉट टू पैकेट्स ऑफ दीज ताकि यू नो थोड़ा सा भी कम पड़े तो मैं लगा सकती हूँ. सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड मैं आपको बता दूं कि हेयर कलर करने से पहले पैच टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सो मेक श्योर कि आप पैच टेस्ट जरूर करें. मैंने पैच टेस्ट किया हुआ है बट आप भी जरूर पैच टेस्ट कर लेना. सो ये कुछ इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है एंड देन यहाँ पे आपको इस तरीके के दो यू नो एक ट्यूब मिलता है एंड एक इस तरीके का बॉटल मिलता है. सो बॉटल में है डेवलपर मिल्क एंड यहाँ पे आपको ये क्रेम हेयर कलरेंट मिलेगा. इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है एंड यू ऑल्सो गेट दिस काइंड ऑफ मैनुअल एंड ग्लव्स. सो मैंने आपको दिखा दिया कि क्या चीजें मिलती है. नाउ आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू यू नो ट्राई दिस हेयर कलर. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. इस बॉक्स में आपको इस तरीके का एक मैनुअल मिलता है एंड दो ग्लव्स मिलते हैं. उसके बाद आपको ये कंडीशनर मिलता है जो कि हेयर वॉश करने के बाद आपने लगाना है एंड ये कलरेंट एंड डेवलपर मिलता है. सो यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा शेक कर ले रही हूँ एंड देन मैं एक बोल में मिक्स करूँगी. मेक श्योर कि आपका जो बोल है ये नॉन मेटालिक हो, प्लास्टिक का या ग्लास का बोल होना चाहिए. एंड यहाँ पे आप ग्लव्स पहन लीजिए बिकॉज कलर फिर यहाँ वहाँ लग सकता है. तो मैं ग्लव्स यहाँ पर पहन ले रही हूँ. सो उसके बाद मैंने यहाँ पे डेवलपर लिया है एंड कलरेंट लिया है. सो इसका जो रेशो है ये 1:1 होना चाहिए. तो अगर आप हाफ कलरेंट ले रहे हैं तो डेवलपर हाफ लेना चाहिए एंड इफ़ आप कलरेंट फुल ले रहे हैं तो जो डेवलपर है वो भी फुल लेना चाहिए. तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आप लोगे मेक श्योर कि आप उसे तुरंत ही इस्तेमाल कर लेना है, इसे अच्छी तरीके से मिलाना है. तो मैंने अपने लंबे बालों के लिए सिर्फ एक ही पैकेट यूज़ किया है. एक पैकेट में जितना मैं कलर करना चाहती थी उतना कलर बहुत ही ज़्यादा ईजीली हो गया था. सो इस हेयर कलर को घर पे करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. ये परमानेंट हेयर कलर है. आपके जो बाल है इससे बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे बिकॉज इसमें बिल्कुल अमोनिया नहीं है. ऑल्सो इसमें 3 एसेंशियल ऑयल्स डाले गए हैं, ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल.
सो ये वाला जो हेयर कलर है, इसे लगाने के बाद आपके बाल जो है काफ़ी ज़्यादा नरिश्ड फील होते हैं। ये हेयर कलर जो है 8 वीक्स तक लास्ट करेगा। ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जो हेयर कलर है ये ग्रेज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से कवर करता है। मेरे ग्रे बाल है नहीं, बट देन माई मदर हैज़ ग्रे हेयर एंड शी ऑल्सो यूजेज दिस हेयर कलर। सो ये वाला जो हेयर कलर है ये आपको 8 वीक्स तक लास्ट करेगा। सो अगर आप एक नेचुरल लुक लाना चाहते हैं आपके बालों के लिए, तो आप इस हेयर कलर को 30 मिनट्स तक रख सकते हैं। अगर आपको ओपेक हेयर कलर चाहिए तो यू कैन कीप इट फॉर 45 मिनट्स, एंड उसके बाद आपने वॉश करना है एंड कोई भी शैम्पू नहीं लगाना है। जो इसके साथ कंडीशनर आता है वो आप लगा सकते हैं फॉर 2-3 मिनट्स, एंड उसके बाद आपको इसे वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसे 45 मिनट्स तक रखा था, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो बाल है वो बहुत ही ज़्यादा सिल्की एंड स्मूद लग रहे हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में इतने बिल्कुल भी सिल्की एंड स्मूथ नहीं लग रहे थे जितने ये हेयर कलर लगाने के बाद लग रहे हैं, बिकॉज मेरे जो बाल है काफ़ी नरिश्ड हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लग रहे हैं, स्मूथ एंड सिल्की लग रहे हैं, एंड इसका जो कलर है इसकी ओपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड आप देख सकते हैं कि ये जो कलर है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सूट भी कर रहा है, समर लुक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ऐसे यूज़ करना है एंड अफोर्डेबल भी है। सो अगर आपको परचेज़ करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से आप चेकआउट या परचेज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।